मैं करके रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। ला मुझे तो बजिया छोड़े। नहीं छोड़ो बजिया, छोड़ो बजिया, क्या है ऐसा? आपके पास ना औलाद है, ना शोहर और ना ही है जायदाद, और मैं खुश हूं। मैं खुश हूं बिकॉज दिस इज व्हाट यू डिजर्व। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। इर्तिजा, ये सब क्या है? खून कहाँ से आया? यहाँ आ रहे थे, मायरा गाड़ी में थी, गोली लगी उसे, ओटी में है वो। हम सब कुछ छोड़कर चली गई। वाह कामरान वाह, आखिर ले लिया अपना बदला। अब बोलो इर्तिजा अली बेग, मर गई बेचारी सभी, क्या ही जाता अगर मुझसे शादी हो जाती है। उस इर्तिजा की वजह से बेचारी को मरना तो ना पड़ता। खैर देखते हैं इर्तिजा बेग का क्या हाल है। नई दुल्हन के मरने पर कवरेज तो बहुत मिली होगी। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि साहबजादा इर्तिजा बेग पर एक बार फिर हमला हुआ है, और इस बार उनकी साली मायरा मंसूर निशाना बनी है। और अफसोस के साथ आपको बताएं कि इस हमले में गुंजाम बहुत हैं। जी हां साहबजादा इर्तिजा बेग। नहीं 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 ये क्या कह रहे हैं? इसको फोन करो, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ बेटर रहेंगे, बस आप दुआ करें इंशाल्लाह और उनका ख्याल रखें प्लीज। थैंक यू। He needs a proper sleep। आ जाएं। कैसे आप? तबीयत कैसी है? आ गई मेरी बच्ची। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। बाकी लोग कहाँ हैं? मायरा, सबीन,
कितने बेल सब कहा है? बाबा डॉक्टर ने कहा कि भी आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें ना। मुझे बताएं आप कुछ खाएंगे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। तो मायरा को फोन लगाओ, मुझे बहुत याद आ रही है, सुबह बाबा ने बात करनी है उससे। फोन लगाओ। बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सना मुझे सॉरी यार देर हो गई, तुम्हारा गिफ्ट आने में देर हो गई। But I got what you asked for. Wow! See, Mamu. Mayra. Mayra. ले गए मेरी मायरा को अपने साथ। आप खुद को संभालें, इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। कसम मुझे यकीन नहीं आता, मुझे सबर नहीं आता, जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूं जो कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जानता हूं कि आपका जख्म बहुत गहरा है, इसे भरने में वक्त लगेगा, लेकिन हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। कैसे? मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कासिम कि मैं अपनी बहन की मौत को इतनी जल्दी भुला दूं। मेरा खून का रिश्ता था उनसे, बहुत कमी महसूस होती आप ही की। सना प्लीज आप सना, क्या हाल कर दी तुमने अपना? वहां अम्मी का रो रो का बुरा हाल हो रहा है, चची जान पूरी तरह टूट चुकी है, मैं अकेले सबको नहीं संभाल सकता। मैं भी इसे यही कह रहा था कि अब इसे दूसरों के लिए जीना है, मैं आपको संभालना होगा इसे। तुम तो रहने दो कासिम, मैं अपनी होने वाली बीवी को संभाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी सना कैसे इस गम से बाहर आएगी। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि जिस गोली से मायरा की जान गई है ना, वो इर्तजा भाई के लिए चली थी।
एक हफ्ता गुजर गया, खबरें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे खानदान को जितनी चोट इस खानदान से रिश्ता जोड़ने पर पहुंची है ना, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इज्जतें बनने में सदियां लग जाती हैं और इज्जतें जाने में एक पल। आपको हमारी बातें बुरी लग रही होंगी इर्तजा, लेकिन यकीन मानिए, अगर बड़े आगा यहां होते ना, वो भी यही कहते। हकीकत यही है, कैसे कैसे खानदान के साथ हमारे खानदान का नाम आ रहा है। लाहौल विला कुवत। कैसे खानदान के साथ आया जान? आज बता ही दीजिए आया जान कि किस किस्म के खानदान से ताल्लुक है मेरा। जमीन खामोश हो जाओ। क्यों क्यों खामोश हो जाऊं मैं? हर बार ये मुझे मेरे छोटे घर से होने के ताने मारती रहती हैं। इस घर में जो कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार ये मुझे ठहराती हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, आप बताएं मैं क्या करूं? कब तक चुप रहूं? आप देख रहे हैं इर्तजा, ये है आपकी पसंद। इनकी आंख में इतनी भी शर्म हया नहीं है कि हम इनसे उम्र में और रुतबे में बड़े हैं। इंसान उम्र या रुतबे से नहीं बल्कि अपने बड़ेपन और इखलाक से होता है। माजरत के साथ, आप में ये दोनों नहीं। सबीन, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी माँ से बात कर रही हो इस वक्त। तो इन्हें बहू कहते हुए नहीं थकते और इनके लहजे में हमारे लिए इतनी कड़वाहट, ऐसी बेइज्जती तो आज से पहले हमारी कभी नहीं हुई। Under arrest. Aye, John. मोहब्बत अक्सर गलत फैसले करवा देती है। सबीन अच्छी लड़की है लेकिन वो आपके और इस खानदान के काबिल नहीं है। बड़े आका जमीनों पर गए हैं, इसलिए फैसला अब आप ही को करना है। प्लीज ऐसे मत करें। अब हम इस घर में नहीं रह सकते। हम कल सुबह ही अपनी हवेली चले जाएंगे। सब खुदा का इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, और वो भी हमारे अपने घर में। ये जान, प्लीज आप कहीं नहीं जाएंगी।
सबीन आपसे खुद आके माफी मांगेगी। उस लड़की ने हमारी इज्जत और साख तो मिट्टी में मिला थी। हमने तो वही कहा था ना जो हुआ था। इसका ये मतलब है कि तमांचे की तरह वो बात हमारे मुंह पर मारी जाए? सही है क्या ये? ये जान। बस अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। आपकी खुशी की खातिर, आपके लिए हमने आपकी शादी करवाई। एक अपने से कम हैसियत खानदान में हमें नहीं मालूम था कि ये ढोल अब हमारे ही सर पर बजेगा। ये जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना सबीन आपसे आके खुद माफी मांगेगी। ये जान, आप मेरी माँ की तरह हैं और मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। हम आपकी माँ की तरह हैं, पर माँ तो नहीं है ना। अगर आपकी माँ होते तो क्या सबीन हमारी इतनी बेइज्जती के बाद इस घर में रह सकती? हमने अपनी सारी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी, लेकिन आपके दिल में माँ की जगह नहीं बना सके। आप अगर हमें अपनी माँ समझते हैं ना, तो हमें हमारा हक दीजिए। ये ज्यादती है? क्यों, क्या हम गलत कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। देखिए प्लीज। देखिए, हम जबान के कड़वे जरूर, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल साफ है। अगर आपने सबीन का इंतखाब किया तो सही। हम कल सुबह चले जाएंगे और मुंह से शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकालेंगे। बड़ी अम्मी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाजिया सो गई? जी बड़ी अम्मी, मैंने उनको खाने के साथ दवा खिला दी थी, आराम कर रही होंगी। अच्छा किया। मायरा, मायरा, आपने मायरा को कहीं देखा? मुझे मायरा नहीं मिल रही। मैं देखती हूँ अंदर। मम्मा, वो नहीं मिल रही मुझे। मम्मा, हौसला करो नाजिया, चली गई वो मुझे छोड़ के। कसूर तो मेरा था भाभी, घर तो मैंने आपका बर्बाद किया था, गुमियाजा मेरी बेटी को क्यों भुगतना पड़ा? हाय, बस आप ना, आप मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे, वास्ते मुझे माफ कर दे। आप माफ कर देंगी ना तो शायद मुझे सुकून आ जाए। तो मंजूर भी मुझे छोड़ देगा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई ना। बस आप माफ कर दे। मंजूर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं करूंगी मंजूर से बात। अरे ये तो बहुत बड़ा है, वक्त लगेगा इसको संभलने में। नहीं, ये नहीं संभलेगा, मैं मर गई हूं। मुझे याद क्यों आ रहा है? अय्या जान चाहती है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, हम दोनों एक दूसरे से लड़े, दूर हो जाए और आप मुझे छोड़ दें। आपको उनकी साजिश समझ क्यों नहीं आती? बस अभी बस। एक मेरी ये बेटी है, इतनी परेशान है मेरे लिए, और दूसरी बेटी का पता ही नहीं है। मायरा किधर हो? रिसीव करने भी नहीं आई। देखो राज है मुझसे। बात नहीं करेंगे। जो तुमने किया आज, उसके बाद हमें बात करनी चाहिए। इर्तिजा, मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। अब जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है सबीन, तो फिर हमारा बहस करने का क्या मकसद? अय्या जान चाहती है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, हम दोनों एक दूसरे से लड़े, दूर हो जाएं और आप मुझे छोड़ दें। आपको उनकी साजिश समझ क्यों नहीं आती? बस अभी बस। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पार कर दो। अय्या जान मेरी माँ है,
उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। कहना चाह रही हूँ सबीन, उनके खिलाफ तुमने एक और बात भी की ना, तो फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी और कोई जगह नहीं रहेगी। नबील बेटा पुलिस? चाची जान वो मायरा के सिलसिले में बात करने आए। जी, कुछ पता चला? मैडम आपके घर के सामने मौजूद सीसीटीवी कैमरे से हमें फुटेज मिल गई है और वहां कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे और गोली चलाने वाला कोई और नहीं कामरान जमाल था। सचियान, सचियान, सचियान खुद को संभाले प्लीज सचियान। कामी ने मार दिया मेरी बेटी को। कामी ने नबी हमें बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। आपसे सॉरी करने के भी लायक नहीं हूं आपा, से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, आप मुझसे मिलने। तूने अपनी अम्मा की खोटी छोड़ दी, मुझसे मेरी मायरा छीनी, सारा कसूर मेरा है। मैं तेरे गुनाहों पे पर्दा डालती रही हूँ, तुझे जानवर बना दिया, पर इस जानवर ने मेरी गोद उजाड़ दी। मेरे पहचान कर कामी मुझे भी मार दे, तुझे अल्लाह का वास्ता है मुझे भी मार दे। बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुरंत छोड़नी पड़ जाए। आपका भाई हो कन्हैया बाबा, अपने गुनाहों का मुदावा तो करना है। मैं सारी जिंदगी अपने घर बैठ के करूंगा और तू यहाँ मर गई तेरी बहन तेरे लिए कामी और तू मेरे लिए, सब खत्म हो गया। आप मेरी बात सुने, तुमने मेरी परवरिश की है, तुमने मुझे बुरा बनाया आपा, तुमने मुझे बुरा बनाया, तुमने मुझे बुरा बनाया, तुमने मुझे बुरा बनाया। अल्लाह तुम्हें भी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। मैं चाचा जान के घर जा रही हूँ, रात वहीं रुकूंगी। कुछ कहा है मैंने आपसे?
सबीन, मैंने पहले कभी मना किया तुम्हारे? इतना आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे इस घर में जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपसे कहूं। आपके लिए इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। सही कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी तुम क्या चाहती हो कि जिस तरह तुमने अय्या जान की तजलील की उसी तरह मैं भी करूं? हरगिज नहीं, पर मैं चाहती हूं कि आप इंसाफ करें। कभी कभी रिश्तों की पट्टी आंखों से उतारनी पड़ती है ताकि चीजें वाजे नजर आए। ऐसा ना हो कि ये पट्टी उतारने में इतनी देर हो जाए कि सुबह तक आ जाऊंगी मैं। खुदा हाफिज। अजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबीन से इतनी मोहब्बत करता हूं कि इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अगर ऐसा ना किया तो अय्या जान को खफा कर दूंगा। मेरी मां है, उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए, पाला पोसा, बड़ा किया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप परेशान ना हो छोटे आका, कब से मैं दुआएं मांग रही थी कि आप मुझे अकेले आके मिलो। मैं अय्या जान को बुला के लाता हूँ। नहीं, आप यहाँ आए मेरे पास बैठे, मैंने आपसे कुछ बात कर दी। सबीन बहुत अच्छी बच्ची है, जब से वो आपकी जिंदगी में आई है खुशियां लौट कर आ गई है। छोटे आका, उसे जाने मत देना। रही बात शाबानों की, तो वो मां होकर भी आपकी मां नहीं बन सकी। वो कभी भी आपका भला नहीं चाहती, वो आपसे नफरत करती है। जिस दिन से आप पैदा हुए तब से लेकर आज तक सिर्फ नफरत करती है आपसे। क्या कह रही हैं आप? ये बात मैं बहुत पहले से जानती, मैं इस डर से नहीं बता सकी किसी को कि वो मुझे इस घर से निकाल ना दे। मेरा कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं था। शाबानों की इस गलती में मैं भी बराबर की शरीक हूं। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। ना तुम बड़े आगा के भाई और भाभी की औलाद नहीं है, आप बड़े आगा के सगी औलाद हैं। और शाबानो,
आपकी सौतेली माँ है। इर्तिज़ा, क्या हुआ है आपको? सारी जिंदगी अल्लाह से शिकायत करता रहा मैं कि आखिर मुझसे ही मेरे मां बाप क्यों छीने। हमेशा अपने माँ बाप की मोहब्बत को तरसता रहा मैं, मुझे क्या पता था कि वो, हालांकि आगा जान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे तो ये लगता रहा कि वो मुझे अपने मरहूम भाई की निशानी समझ के गले लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपनी सगी औलाद को ही अपनी सगी औलाद नहीं कह पा रहे। क्यों किया ये जाने से? कैसे मैं अपने सगे रिश्तों से इतना करीब होते हुए भी इतना दूर रहा और आगा जान को गले लगाते हुए उन्हें आगा जान के बजाय बाबा बाबा कैसे कहूंगा? अजनबी से लग रहा है सब कुछ अजीब। जो होना था वो तो हो गया ना, अब तो आपको हकीकत पता है, भूल जाए सब, परेशान मत हो। नहीं नहीं, मैं पूछूंगा आगा जान से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस मां का क्या जिसको मैंने खो दिया? अय्या जान ही तो थी सब कुछ, अय्या जान तो मेरा सब कुछ था। वालेकुम सलाम। बाबा की तबीयत कैसी है? मंसूर साहब की तबीयत बेहतर है और आज आप लोग डिस्चार्ज करवा सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में जाके आप लोग डिटेल्स ले लेगा और प्लीज उनकी डाइट का खास ख्याल रखना। थैंक यू। अब क्या होगा नबी? ये तो होना है ना साला, बस तुम खुद पे काबू रखना। अब हमें बहुत हिम्मत से चाचा जान को संभालना है। नबील, बाबा को सारी हकीकत कैसे बताएंगे आप? उनकी तबीयत तो देखिए। अल्लाह है ना, वो कोई ना कोई असबाब जरूर बना देगा। तो रहने दो काशी, मैं अपनी होने वाली बीवी को संभाल सकता हूं और बेहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि जिस गोली से मायरा की जान गई है ना, वो इत्तेसा भाई के लिए चली थी। मुबारक हो कासिम, कामरान को फांसी हो गई। आपको भी मुबारक। पुलिस ने अपना काम कर दिखाया, छोटे आग के दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। जी,
लेकिन मुझको लगता है कि आपको इस खबर से कोई खास खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं मैं अर्ली, मैं खुश हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई खालीपन सा आ गया। सना बीबी की वजह से परेशान लगते हैं आप। नहीं नहीं मेरे लिए ऐसा नहीं। हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप हमसे अपना गम नहीं छुपा सकते, और हम ये भी जानते हैं कि आप सना बीबी से मोहब्बत करने लगे। कब तक भागेंगे इससे, क्यों खुद को जुटला रहे हैं? आपकी आंखों में सना बीबी की मोहब्बत साफ नजर आ रही है। हाँ मेरे लिए, हाँ मुझे सना से मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके नसीब में नबील लिख दिया गया, वो उसकी इमानत है, और आगा खानदान के इंसान कुछ भी कर लें, कभी किसी की इमानत में खयानत नहीं करते। मैंने सना की आंखों में नबील के लिए बहुत मोहब्बत देखी है, मुझे यकीन है सना नबील के साथ बहुत खुश रहेगी। और आप? मेरा क्या है, मैं उसकी यादों के साथ खुश हूं। तुझे जो समझना है समझ, मगर इस वक्त मुझे पैसे दे दे। सच कह रहा हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, और हाँ आइंदा मुझे फोन मत करना। ऐसे तो जाने वाला नहीं, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरे सारे करतूत खोल के रख दूंगा मैं। तू सबीन को मारना चाहती, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो फिर दे दे पैसे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी तुम? वो गांव से चचा का फोन था, खैरियत पूछ रहे थे। उसके लिए यहाँ छुपकर बात करने की क्या जरूरत थी? वो मुझे पता ही नहीं चला, मैं बात करते करते कब यहाँ तक आ गई। अच्छा मैं अंदर जाती हूँ, मुझे किचन में काफी काम है। मंसूर तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जान, खाम खाम लोगों को भी परेशान कर दिया मैंने। वैसे अल्लाह इस बच्चे को लंबी जिंदगी दे, एक पल के लिए भी मुझे इसने अकेला नहीं छोड़ा। जीते रहो। बाबा ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ये मेरी बेटी, एक मेरी ये बेटी है, इतनी परेशान है मेरे लिए, और दूसरी बेटी का पता ही नहीं है। मायरा किधर हो, रिसीव करने भी नहीं आई, देखो कान खींचता हूं तुम्हारे, आ जाओ तुम जरा नीचे। क्या हुआ, रो क्यों नहीं बेटा? क्या हुआ उसे? आप लोग चुप क्यों हैं? आप छुपा क्या रहे मुझसे? बेटा तुम्हारा बाप बहुत मजबूत है, मुझे सच सच बताओ है? क्या हुआ है बताओ। पापा मायरा भी हमको छोड़ के चली गई। क्या पक झूठ बोल रही? पापा हम बिल्कुल अकेले हो गए, मायरा बाजी बहुत दूर चली गई है, कामरान मामा के हाथ से मायरा भी को गोली। जुदाई पर ही कायम है निजाम जिंदगानी भी, बिछड़ जाता है सागर से गले।
बेरुखी ना हो फिर हम नवा वुजू करते मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहें।